वस्व तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, बलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाएं? योग से कैसे मिटाएं अपनी व्याधियों को और कैसे रहें 100 वर्ष तक स्वस्थ? योग है संपूर्ण आरोग्य का आधार, योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, और योग है एक संपूर्ण जीवन शैली, और योग है अध्यात्म का चरम उत्कर्ष। आइए आज हमारे साथ कीजिए लगभग 1 घंटा योग अभ्यास, जिससे मिटेंगे आपके सब संताप, मिटेंगे सारी व्याधियां और लगेगी आपकी समाधि। बस थोड़ी सी सावधानियां। प्राणायाम करते वक्त यदि आपको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना कोई भी प्राणायाम। यदि आपको कमर में दर्द है, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है तो जोर से न करना, इतना ध्यान देना। यदि आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं, धीरे धीरे करना, लंबा करना, कैंसर भी होगा ठीक। बस प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। मासिक धर्म के वक्त माताओं बहनों को बाह्य प्राणायाम, एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानियां प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना, समस्त योगाभ्यास खाली पेट ही करना होता है। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद करना। आसनों में भी बस 2 सावधानियां खास, कमर में दर्द है तो आगे न झुके, और हर्निया हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा है तो पीछे न झुके। श्वासों के 2 नियम योगासन के वक्त, जब भी आगे झुके तब छोड़े श्वास बाहर, और जब पीछे झुके तब श्वास भरे अंदर। जब शरीर की सामान्य स्थिति तो श्वास की भी सामान्य स्थिति, जब आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर, दाएं बाएं ऊपर या पीछे की ओर झुकते हैं तब श्वास अंदर, बस इतना खास नियम। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा विशेष की स्थिति में। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा, ये अपान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में आप सीधे बैठ जाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ों में गहरा भरना है, खास बात, लंबा गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। आंखें बंद, मन सहज, श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन लगभग 2 मिनट करना है कम से कम। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है तो आप 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य
भ्रामरी उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान कीजिए। 10 मिनट इसमें लगेंगे और 10-10 मिनट आप कपालभाति अनुलोम विलोम, आधा घंटा। और यदि आप पौना घंटा प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, श्वासों पर प्रणव का ध्यान, ये 3-3 मिनट कीजिए और 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये आधा और पौने घंटे का अभ्यास प्राणायाम का भी आप प्रतिदिन कर लेते हैं यदि आप, तो आपको कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरना, बाहर छोड़ना, श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज और मन में एक भाव, लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं, मेरे पंच कोशों का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, फिजिकल, एथरिकल, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल और कॉजल बॉडी, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांचों प्राण मेरे स्वस्थ परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों का, पंच कोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। जब थकान लगे तब रुक जाएं और इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप पहले 1 मिनट, फिर 2 और फिर 3 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो अस्थमा आदि की तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे स्नायु तंत्र को सबल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक। बस इतना खास ध्यान देना, श्वास फेफड़ों में गहरा भरना, बाहर छोड़ना, पेट में श्वास नहीं भरना, फेफड़े में डाफाम तो श्वास भरना और बाहर छोड़ देना। यदि पेट में भरेंगे तो देखो ये गलत, रॉन्ग होगा, यो नहीं करना, यो नहीं करेंगे, ये गलत। श्वास भीतर फेफड़ों में गहरा भरेंगे, और बाहर छोड़ेंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप कर लेना 2-3 मिनट, फिर आगे बढ़ जाते। प्राणायाम की प्रत्येक विधि को ध्यान से देखें और वैसे ही करें। विधि के साथ में जिस प्राणायाम को जितने समय तक हम करने के लिए बोलते हैं उतने समय तक उसको करें तो सब व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका के बाद। भस्त्रिका के बाद यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें, शक्ति का अतिक्रमण न करें, श्वासों का बाहर छोड़ेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम को, कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सहेल होता है फोर्सली, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। ये करना है आपको 10-15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योगाभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां। कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध्व रूपांतरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, आप बनेंगे ऊर्ध्व रेता, चेहरे पर आएगा ओज तेज, रहेगा यौवन बरकरार, नेचुरल ग्लो, आभा, सैनी, तेज आपके चेहरे पर आ जाता है। विश्राम, रुक जाए थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाए, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाए, बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। यदि आप नहीं थकते हैं तो करते रहिए लगातार, श्वासों को बाहर छोड़ दे।
श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं कपालभाति। ये मुख्य सात प्राणायाम, सात व्यायाम और सात आसन, इतना करने से हमने पाया कि हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के हेपेटाइटिस एबीसी से लेकर के थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, मोटापा भयंकर से भयंकर, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, सब व्याधियां मात्र सात प्राणायामों का अभ्यास से मिट जाती। इसलिए ये मुख्य सात प्राणायामों का अभ्यास जिसको आप कर रहे हैं, ये प्रतिदिन आपको करना है। लगभग 70 लाख व्यक्तियों पर अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शिविरों में, और यदि आश्रम में आने वाले साधकों को लगा लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से जो हमने प्राणायाम के अनुभव किए, और आस्था आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करीब 25 करोड़ से भी अधिक लोगों पर जो योग के प्रयोग हुए, उससे ये बात सामने आई कि जितनी व्याधियां ज्ञात हो चुकी हैं, जो अभी ज्ञात नहीं है और जो होने वाली है, उनका एकमात्र समाधान प्राणायाम, और उसमें भी मुख्य कपालभाति अनुलोम विलोम। नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं, उन सब का परमानेंट क्योर प्राणायाम से हो जाता है, और उसमें मुख्य प्राणायाम है कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ये, आप सामने जरा देखिए, कहें आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना, आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल करना है, सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है, इस भाव के साथ निरंतर कपालभाति प्राणायाम करती रही है। सब टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स अपने आप बाहर हो जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए, और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर हुई तो फिर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होने से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, वाइटल एनर्जी का लेवल आपका अप होगा। श्वासों को बाहर छोड़ने से ही आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। मुख्य लाभ कपालभाति प्राणायाम का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मुख्य रूप से इससे स्वस्थ होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाता है, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता, मध्यम गति के साथ में। इस तरह से 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आपने लगभग अभी 5 मिनट लिए, थोड़ा विश्राम। इस तरह से पहले दिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3, फिर 5 मिनट लगातार आप कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कर सकते हैं, और फिर आप देखना। इसी प्राणायाम से हम कहते हैं प्रतिदिन 250 ग्राम से लेकर के आप 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं, और ऐसा हमारे शिविरों में होता है, और इसीलिए हजारों हजारों, और जब ओपन क्लास होती है तो लाखों व्यक्ति शिविरों में आते हैं।
और मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ, सब नगद हिसाब किताब, उधार का काम ही नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत परिणाम, अभी करो अभी पाओ, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। धर्म अध्यात्म आपको भाग्यवादी नहीं, आपको पुरुषार्थवादी बनाता है। पुरुषार्थ और परिश्रम, इससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता, भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ प्राणायाम आपको निश्चित रूप से आरोग्य देगा। ये कपालभाति प्राणायाम फिर से करते हैं प्रारंभ। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, इससे जिनके बाल झड़ते हैं बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट कर लेना। बालों की सब समस्या, झड़ना, सफेद हो गए हैं बाल आपके, बाल बढ़ते नहीं है, बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ पूरी आ जाएगी। गंजी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएंगे, थोड़ा नेल से रगड़ने वाला अभ्यास भी कर लेना और ये कपालभाति प्राणायाम। आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, कपालभाति अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मे हट जाएगा, रेटिना की कॉर्निया की प्रॉब्लम सब, अभी तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी प्रॉब्लम, डबल विजन, क्रॉल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्याएं भी मिटने प्राणायाम से। कैटरेक और ग्लूकोमा तक अच्छा हो रहा है, आंखों के आंसू सूख गए, या बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आते हैं, लालिमा है आंखों पर, ये सब आंखों की समस्याएं। नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस, बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई हड्डी, इससे ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम, अस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, समस्त कफ दोष, इस कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, कान बह रहे हैं बचपन से आपके, बस कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, कानों का बहना ठीक हो जाएगा, सुनाई देने लग जाता है, कान चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, आंखों के नीचे काली मा गई, ओज तेज क्षीण हो गया चेहरे का, दोबारा से यौवन पाओगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इसे भीतर समान अग्नि, पंच प्राण ही तो है जो शरीर को चलाते हैं, कपालभाति से समान प्राण भीतर की जठराग्नि, समदोषः समग्नि समधातुम लक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता महर्षि सुश्रुत की भाषा में प्राणायाम ही से मिलेगी। समदोष समग्नि समधातु ये सब होंगे कपालभाति अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों से। तो कपालभाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम आपको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए, पैर की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, मसोड़े फूल जाते हैं दांतों से, खून बहता है, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, और जो मंजन हम घर में बनाने के लिए बोलते हैं उसी को बना करके लगा लेना, बस देखना आपके दांतों की समस्या, पैर की समस्या, एक और फाइलेरिया की समस्या, कपालभाति अनुलोम विलोम करने से वो भी मिट जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, हार्ट के ब्लॉकेज इससे निकल जाते, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है, T3, T4, TSH लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है, छाती में गांठ है, यूट्रस में, ओवरी में गांठ है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, पूरी बॉडी की कहीं पर भी कोई गांठ, मस्से, कॉर्न्स, टोटल स्किन डिजीज, सोरासिस की प्रॉब्लम और लिगोडर्मा की प्रॉब्लम, इस कपालभाति प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 15-15 मिनट करना। थोड़े घरेलू उपचार हम बताते हैं, उसका आश्रय लेना, दूध के साथ नमक आदि वृद्धार का प्रयोग न करना, ये सब टोटल स्किन डिजीज से ठीक होती है। रुक जाइए, विश्राम करें थोड़ी देर बीच में, 5-5 मिनट करके इस तरह से आप ये कपालभाति प्राणायाम निरंतर कीजिए, फिर देखिए टोटल स्किन डिजीज मिट जाए। कपालभाति प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, टोटल लिपिड आपका नॉर्मल हो जाएगा, और टोटल ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाएंगे, आपका आर इफेक्ट पॉजिटिव है, आपका हेपेटाइटिस ए बी सी पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ESR आपका नॉर्मल हो जाएगा, कपालभाति प्राणायाम के करने से यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, समस्त वात रोग और पित्त रोग, भयंकर से भयंकर एसिडिटी, एसिडिकोलाइटिस, बस धीरे धीरे करना कपालभाति प्राणायाम। हमने कहा था जिनको एसिडिकोलाइटिस है, कमर में दर्द है, हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम है, वे धीरे धीरे करें, जो कमजोर व्यक्ति है, बस गर्भवती माता इसको न करें, इतना विशेष ध्यान देखना, पेट की सारी समस्या, अल्सर की प्रॉब्लम,
अस्थमा की प्रॉब्लम, सब समस्या इसी से ठीक हो जाती है, बंद ट्यूब इसी से खुल जाती है, इतना अद्भुत है। फिर से एक बार कीजिए, बस श्वासों को बाहर छोड़ देना, देखना और पाना, मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण भी हो, मन शांत हो जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन में उठते विकार प्रवाह अपने आप मिट जाएगा। वृत्तियां निरुद्ध होंगी तदा दृष्टोः स्वरूप अवस्थानम्, आप अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपनी चेतना से जुड़ेंगे। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश भी मिटेंगे, असत मिटेगा, तमस छटेगा, तथा क्षेत्र प्रकाश सावरण। महर्षि पतंजलि प्राणायाम का यही तो लाभ बताते हैं। आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, अनासक्त बनेंगे, आप संबोधि को पाएंगे, आप प्रज्ञावान बन जाएंगे। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठान एवं शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो अनुपश्य। ये कपाल भाती प्राणायाम इस तरह से 15 मिनट करना, और इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, एक ही दिन 15 मिनट में। श्वासों को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट आईबीपी वाले नहीं करना, जिनको सर्वाइकस मलाटिस पेन है वो जालंधर बंद नहीं लगाना, शेष थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे उड्डयन बंद, और नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे मूल बंद त्रिबंध के साथ। ये बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा,